चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र रेलवे रोड पर पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा की अगुवाई में कांग्रेसी महात्मा गांधी पार्क में सत्याग्रह पर बैठे। अशोक अरोड़ा ने बीजेपी पर आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने भाजपाई तानाशाह प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका संविधान को पैरों तले रोकने का, हर चीज को अपनी मनमर्जी से चलाने का आरोप भी लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि कभी इनकम टैक्स, कभी CBI, कभी ईडी का दुरुपयोग करते हुए आवाज को दबाया जा रहा है। इस देश की आजादी के लिए हमारे जवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे, सीने पे गोलियां खाई, लाठियां खाई, जेलें काटी कि हमारा देश आज़ाद होगा, हमारा अपना संविधान होगा, हमारी देश में प्रजातंत्र होगा। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, हमें अपना संविधान मिला, बोलने की आज़ादी मिली, सबको बराबर के अधिकार मिले। परंतु 9 साल से जो ये सरकार चल रही है, इस संविधान को अपने पैरों तले रोध के प्रजातंत्र को कमजोर कर, ये तानाशाह प्रवृत्ति के लोग जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनके खिलाफ कभी ईडी का इस्तेमाल करते हैं, कभी CBI का इस्तेमाल करते हैं, कभी इनकम टैक्स की रेड पाते हैं, कभी लठ बजाते हैं, और अब तो सीमाएं यहाँ तक पार हो चुकी हैं कि न्यायपालिका का भी इस्तेमाल करके किस प्रकार से राहुल गांधी जी को सजा सुनाएगी। और फिर सरकार ने स्पीकर से, जबकि 30 दिन का अपील का टाइम था, अगले ही दिन उनकी सदस्यता को रद्द करा दिया।